अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं असर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महादैन सफी। तो सब दोस्तों को वेलकम हो गया जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम। तो जनाब ये देखें जी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी शदीद धुंध है, इतनी शदीद धुंध है कि छोड़ें बात। यहाँ पे अभी तक मैंने गोट्स वगैरह नहीं निकाली, सब को बंद रखा है। जब तक सूरज थोड़ा सही नज़र नहीं आता ना, तब तक ये परिंदे मेरे सारे बंद रहेंगे, गोट्स बंद रहेंगी। अभी सुबह मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो बच्चे तैयार हो रहे हैं सारे, यहाँ पे हमारी पराठो तैयार है जी। चलो आ जाओ भाई, बैठो अपनी पराठों में। बच्चे आ रहे हैं, पराठों में बैठने लगे हैं। देखिए जी दोस्तों, हमारा जो गांव का सारा रास्ता है ना अपने घर से आगे, वो सारा गायब हो चुका है धुंध में, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं, महाल सभी मेरे साथ बैठे हैं, अल्लाह करे खैर वहाँ से पहुँच जाएँ। तो धुंध बहुत ज़्यादा शदीद धुंध है, बिल्कुल जो है ना अज निकाल जो है सिफर है। तो जाते हैं आस्ता आस्ता अल्लाह को याद करके। बस अभी फिर मैं दोबारा आ गया हूँ, यहाँ पर परिंदे वगैरह हमने बाहर निकाले हैं जी। गोड़ को अभी बाहर निकाला है, ये शोर कर रही थी, पता नहीं अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। मौसम जो है ना बिल्कुल गुप अंधेरा है यार, तरफ बिल्कुल अभी तक सूरज का नाम निशान नहीं है, सर्दी है कि टिका के है जी। यहाँ पे देखते हैं जो हमारा कबूतरी है, ठीक है बैठी है। अच्छा ये देखें ना, यहाँ पे अंदर इसने गीला किया है ना, ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसने गीला किया है। तो ये अभी शोर कर रही थी, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, बाहर निकाला है, इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हैं जी, ये गुड़िया है ना, दरवाज़ा बंद करते हैं। बार 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 नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, वो फंस गई दरवाजे में, फंस गई गुड़िया, गुड़िया दरवाजे में फंस गई। इधर हो भाग गई, उधर जाओ ना यार, अंदर जाओ ना अंदर। मैं इसने दरवाज़ा खोला है गोट हाउस का, तो वो बाहर भाग गई। तो इसको मैंने यहाँ पर बांधा है, अंदर आज ना, क्योंकि बाहर सर्दी ज़्यादा थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको चारा डाला है। ये देखिए चारा डाला है, तो बैंटम भी अभी तक यहाँ पे ना, इनको भी बाहर नहीं निकाला, यहाँ पे इनको दाने डाल दिए, इसको खुला छोड़ दिया है, और रैबिट्स को बाहर यहाँ पे चारा डाल दिया है। ये सारे रैबिट्स यहाँ पे चारा खा रहे हैं, मुर्गे वगैरह भी हैं। तो ये है जी आज मिनी ज़ू की सूरत हाल। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, खुद मैंने करना है नाश्ता। नाश्ता करने के बाद, नाश्ता भी आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 12 बजे, क्योंकि सुबह मैं गया था बच्चों को छोड़ने, थोड़ा काम था, लेट हो गया हूँ। तो अभी 12 बजे मेरा नाश्ता होगा, नाश्ता करके फिर ऊपर आते हैं, दोबारा बाकी व्लॉग बनाते हैं। दोस्तों अभी वक्त हो जाता है जी मुर्गी को खबर लेने का, बच्चों वाली। तो क्या कहते हैं, मुझे मत छेड़ो मैं बच्चों वाली हूँ। ये बच्चों वाली है जी, यहाँ से इसके बच्चे सारे नजर आ रहे हैं। पीछे हटो, मैं बच्चे देखने दो, अभी नज़र आ रहे हैं। 7 बच्चे अभी तक ठीक हैं जी इसके। तो यहाँ पे इसको इसलिए छुपा के रखा है ना कि ये बंद कमरा है, ये देखें कि बंद कमरा है, इसलिए यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे सर्दी काम है, बाहर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। एक और मसला, यहाँ पर बिल्ली हमला कर सकती है। नहीं बिल्ली बेटा, ये मुर्गी जो है ना, जब बिल्ली हमला करेगी तो मुर्गी उसको मारती है आगे से, लेकिन जो सर्दी है ना, सर्दी का कोई हाल नहीं है। तो अभी फिर वापस जाते हैं छत पे जी, माद भी मेरे साथ जाएगा। दोस्तों अभी आ गए हैं, मैं माद के साथ छत पे आया हूँ। तो माद अभी आप ऐसा करो, इनका बकरी में चारा ले आओ ना। ये डक्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये देखो आप, पकड़ के दिखाओ मुझे डक्स, पकड़ लोगे, चैलेंज है आपका। 100 का नोट इनाम, 1000 इनाम, 1000। वीडियो क्या आप ले लेते हैं? नहीं लूँगा, आप क्यों हुए, पक्का 1000 रुपया नाम। आप मुझे डक्स पकड़ के दिखाओ, वादा वादा, जाओ। नहीं हाँ, डक्स पकड़ेगा अगर इसने पकड़ ली तो 1000 वीडियो में सबके सामने दूंगा, और वापस भी नहीं लूंगा। चलो जी चलो, पकड़ो पकड़ो ना, नहीं पकड़ सकेगा, ये डरता है डक्स से। यहाँ पे बैंटम को बाहर अभी कैद किया है कि अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए बाहर थोड़ा सा, वो दूसरी मुर्गियों से डरती हैं ये, तो इसलिए इसको ऊपर जो है ना टोकरा दे दिया है। रैबिट को क्या हुआ है जी, रैबिट हमारा कहीं बीमार तो नहीं हो गया? और रैबिट क्या हुआ, ये देख ली, ये रेड आई है, क्या हुआ, पकड़ लिया, ले आओ ले आओ, ये देखो मुझे मुझे बना रहा है, ये पकड़ लिया, हाथ पीछे करके आ रहा था, बोलता है मैंने पकड़ लिया, ऐसे कोई पकड़ना होता है, थोड़ा ही होता है। चलो जी अंदर आ जाओ महाद, ये रानी क्यों ऐसी हुई है, ये देखो
सर्दी लगी है। मलका की स्वेटर किधर गई? उतार दिया आपने? मैंने तो नहीं उतारी ये, हमने मलका को स्वेटर पहनाई थी, स्वेटर हमको नहीं नजर आ रही, ये किसने उतार दी है? यहाँ पे अंडा भी नहीं है। चलें इसको अभी चारा वगैरह डाल देते हैं ना इनको। ये अभी देखें जी टाइम होने वाला है, शाम होने वाली है, और अभी मैंने इनके जो पर्दे हैं ये ऊपर उठाए हैं, थोड़ी सी धूप निकली है तो दिन से सुबह से धुंध थी ना, इसलिए हमने पर्दे नीचे रखे थे। अभी यहाँ पे तोतों के मैंने पैरोट के पर्दे उठाए हैं, यहाँ पे पिग उनको भी पर्दे उठाए हैं कि इनको सर्दी ना लगे। इसलिए वो जो हमारी कबूतरी है वो मैंने आपको कल दिखाया था ना, उसने दो बच्चे दिए हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी गोट्स को चारा डाल देते हैं, यहाँ थोड़े में मैंने कल से चारा रखा था इनका। ये आ गया जी मलका का चारा, मलका खा लो जी, उसके बाद रानी और गुड़िया के लिए। ये ये आ गया जी गुड़िया का, और अभी आ गया जी ये यहाँ से, ये ड्राइवर से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा चारा कब आएगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं गुड़िया को। तो जनाब ये गोट हाउस में जो चारे का सिस्टम है वो पूरा हो गया है, इनको गोट्स को मैंने चारा डाल दिया है। तो सफाई तो मैंने यहाँ पे कल की थी, आज फिर करने वाली है, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल ही करेंगे, आज शाम हो गई। सुबह जो है ना, सुबह सर्दी बहुत थी तो सुबह से कोई काम तो हुआ ही नहीं मुझसे। तो अभी जो मैं आया हूँ गोट हाउस में, तो यहाँ पे देखा है जो चारा वगैरह डाला है गोट्स को जो है ना, अभी थोड़ा सा यहाँ पे धूप लग रही है, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से सर्दी थी। तो अभी गाइस आखिरी बार जो है ना, ये हम रेड आइल की खबर लेते हैं, रेड आइल बोल रहा हूँ दूसरे के लव बर्ड के, लव बर्ड के पास हम मैं और सभी आ गए। खोलो इसको, तो इसको खोला है जी, वहाँ पे हमारे लव बर्ड बैठे हुए हैं, वो सामने अगर आपको नज़र आ सके तो, फोकस क्यों नहीं हो रहा कैमरे का, आप ही हो गया जी। तो ये हैं जी हमारे लव बर्ड, इनका मैंने यहाँ पे ब्रेड रखा हुआ है, ब्रेड के बाद यहाँ पानी पड़ा हुआ है, और ये जो का फीड है वो फीड इन्होंने गुराई हुई है। तो अभी इनको और फीड डाल देते हैं, कल डाली थी कल वाली इन्होंने गिरा दी है। तो दोस्तों सफान को मैंने फीड लेने के लिए भेजा, वो आ गया। सफान आ गया फीड लेके? नहीं एक मिनट, आपसे उड़ जाएंगे तोते ना, उड़ जाए ना, मैं रख देता हूँ, मुझे दो, उड़ जाएंगे ना आपसे, आपसे उड़ जाएंगे। अच्छा डाल दो, तोते उड़े ना फिर आपकी खैर नहीं। रखो 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 रखो। सफी ने फीड अंदर रख दी है जी, मुझे डर लगा रहा है सफी अंदर घुस गया था तो उतने उड़ ना जाए, लेकिन नहीं उड़े हैं जी, लव बर्ड हमारे जो है ना उड़े नहीं है। तो फीड यहाँ पे रख दी है, वो सामने उसका ब्रेड वगैरह पड़ी है, ब्रेड तो नहीं खा रहे हैं, फीड खा रहे हैं। जनाब सफी जिद कर रहा है कि मैंने कबूतरी के पास जाना है और कबूतरी के बच्चे देख के आने हैं। क्यों सफी? हाँ। कबूतरी के अंदर जाना है तो मुर्गी को पापड़ डाल रहे हो सफी, मुर्गी को पापड़ डाल रहा है जो तो बाकी मुर्गियां आ रही है, इसकी बैंडम जो है ये फेवरेट है ना, तो ये बाकी मुर्गियां आके इसे छीन रही है, वो पापड़ उनको जो अपनी चीज खाता है ना, नहीं मारो उसको, चलो आपको कबूतर के केज के अंदर लेके जाता हूँ, जाना है? छोड़ दो उसको, छोड़ दो, चलो आ जाओ, क्या करूँ? अच्छा ठीक है आओ, आपको केज खोल के देता हूँ, नहीं मैं जा रहा हूँ, अभी मैं सफी को केज खोल के देता हूँ, ये कबूतरी के बच्चे देखना चाहता है, ये कबूतरी जो हमारी बैठी हुई है, तो सफी को हम अंदर भेजते हैं केज के अंदर। तो दोस्तों अभी सफी जो है वो केज के अंदर जाने वाला है, यहाँ पे कबूतर हमारा जो है तैयार है, सफी जा रहा है केज के अंदर कबूतरी के बच्चे देखने, चलो जाओ आगे आगे चले जाओ, इसको इसको दम से पकड़ो, थोड़ा ऊपर उठाओ ना, आपको बच्चे नजर आ जाएंगे। हाँ नहीं नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, पकड़ो दम से, पकड़ो पकड़ के उठाओ ना, हाँ ऊपर ऊपर खींच लो, नजर आ गया, नजर आ गया, चलो आ जाओ। तो सभी यहाँ पे ये दो कबूतर यहाँ पे चिपक गए हैं गाड़ी के साथ, सभी को चलो ठीक है अभी आ जाओ, नजर आ गया, बच्चा बाहर निकल आया, वो है बच्चा, वो है वो सामने बच्चा है, सभी के ऊपर कबूतर बैठ गया। दोस्तों सभी केज में गया था, सभी के ऊपर ना सर के ऊपर कबूतर बैठ गया, सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सभी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ था, अभी इसको बांध रहा है जी।
दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक, व्लॉग पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर की जरूर कीजिएगा, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मेरे साथ सभी को भी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।